हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी टेक। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पावर पॉइंट में टेबल को किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है हमने सीखा था। तो हम इस वीडियो में जो लेआउट सेक्शन में जो बाकी ऑप्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर एक टेबल बनाया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक सेव है जो इस टेबल के पीछे है। हम इसके यूज बाद में देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो है हमने इसे मर्ज कर दिया है। यहाँ पर लेआउट सेक्शन में हमने किस तरह से मर्ज करते हैं हमने पिछली वीडियो में दिखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी हमने मर्ज कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सेल साइज है इसे छोड़ के हम पहले ये जो अलाइनमेंट है इसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 6 ऑप्शंस हैं। ऐसा एक ऑप्शंस हमने होम टैब में देखा था हमारे पिछले वीडियो में, जहां पर ये जो 4 ऑप्शन और यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसे यूज करके हम टेक्स्ट बॉक्स के किसी भी जगह पर कोई भी टेक्स्ट को रख सकते थे। उसी तरह से यहाँ पर लेआउट सेक्शन में ये जो 6 है ये उसी तरह का है। अगर आपने वो होम टैब का वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 6 जो ऑप्शंस है इसके कैसे यूज करेंगे। ये जो 3 ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो देखिये ये लेफ्ट में अलाइन है। फिर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिये ये राइट में अलाइन हो गया। फिर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये बीच में अलाइन हो गया। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये टॉप में चला गया। फिर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये बीच में चला आएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। उसी तरह से आप ये 6 ऑप्शंस को यूज करके आप एक टेबल के सेल में कोई भी टेक्स्ट कहाँ पर रहेंगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको सारे जो टेक्स्ट है सबको अगर एक साथ करना होगा तो आप क्या करेंगे, टोटल टेबल को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं सब कुछ जो है वो लेफ्ट में अलाइन हो गया। फिर देखिए अगर मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो ये सब कुछ सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये सब कुछ राइट में अलाइन हो जाएगा। उसी तरह से आप सारे जो टेबल है सब में एक साथ भी कर सकते हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल सेल में भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये सब कुछ बीच में चला आएगा। अगर मिडिल दो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप सब कुछ जो टेक्स्ट होगा वो मिडिल में रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर एक है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो आप देखिए ये जो हमारा चैनल का नाम यहाँ पर लिखा है यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। तो अगर मैं ये टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना चाहूंगा तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इस सेल में सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मैं टेक्स्ट डायरेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं जैसे पहले से है हॉरिजॉन्टल। फिर मैं अगर इसमें क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। फिर ये रोटेट होके इस तरह से चेंज हो सकता है। फिर इस तरह से ये स्टैक में चेंज हो सकता है। उस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल में इसे लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं। फिर यहां से मैं अगर इसके जो साइज को इंक्रीज करूंगा तो ये बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यह है सेल मार्जिन। तो सेल मार्जिन का मतलब है कि जितना सारा भी यहाँ पर लिखा गया है सबका मार्जिन कितना है। तो ये मार्जिन देखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये टोटल सेल में क्लिक करूंगा, फिर ये जो यहाँ पर है इसमें क्लिक करूंगा तो सब कुछ लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। फिर सबको ऊपर कर दूंगा तो सब कुछ ऊपर और लेफ्ट में अलाइन है अभी। फिर देखिए यहाँ पर अगर मैं सेल मार्जिन में जाऊंगा तो देखिए ये नॉर्मल सेल मार्जिन है। मैं यहाँ पर अगर नॉन कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं है और ये सब कुछ पूरा टोटल यहाँ पर लग गया है लेफ्ट साइड में। फिर अगर मैं यहाँ पर नेरो करूंगा तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा छोड़ के यहाँ पर है। फिर यहाँ पर मैं अगर वाइड कर दूंगा तो ये बहुत छोड़ के यहाँ पर अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ईच सेल में मतलब हर एक सेल में जो मार्जिन होगा यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे नॉर्मली रहने देते हैं। तो अलाइनमेंट को यूज करके आप हर एक सेल में ये टेक्स्ट किस तरह से प्लेस होगा आप ये सब डिसाइड कर पाएंगे। फिर देखिए ये जो अलाइनमेंट के दोनों साइड दो ऑप्शन है, एक है सेल साइज एक है टेबल साइज। तो ये जो सेल साइज है ये
हर एक सेल के कितने साइज है ये दिखा रहा है, और यहाँ पर जो है ये टोटल टेबल का कितना साइज है यहाँ पर दिखा रहा है। ये देखिए टेबल साइज जो है 17.36 सेंटीमीटर हाइट, इसका मतलब ये टोटल टेबल का जो हाइट है यह है 17.36 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये जो विड्थ है टोटल टेबल का यह है 25.31 सेंटीमीटर। फिर देखिए यहाँ पर जो सेल साइज है ये हर एक सेल के साइज को दिखाएगा, तो हम अगर किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो दो ऑप्शन है इसी सेल के ये ऑप्शन है, इसका मतलब ये सेल के जो हाइट है यह है 2.17 सेंटीमीटर और जो विड्थ है यह है 3.43 सेंटीमीटर। फिर देखिए मैं टोटल टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर देखिए यहां पर एक ऑप्शन है ये जो या इसके साइड में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट रोज, इसका मतलब जितना सारा भी रो है हमारा सबका जो हाइट है ये सेम कर देगा यहां पर अगर क्लिक करेंगे। फिर यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो जितना सारा जो हमारा ये जो कॉलम है इसके जो विड्थ है ये सबको ये सेम कर देगा, तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो सारे कॉलम के विड्थ जो है वो सेम हो जाएंगे। तो देखिए ये सारे कॉलम का जो विड्थ है ये सेम हो गया। अभी इस तरह से आप ये दो ऑप्शन के यूज करके सारे जो सेल है सबको इक्वल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सेल है यहाँ पर मर्ज करके यहाँ पर बनाया गया है, तो ये जो इंडिविजुअल सेल जो मर्ज किए गए हैं ये इंडिविजुअल सेल के यहाँ पर ये हाइट और विड्थ है ये दिखाएंगे, टोटल जो सेल है इसका यहाँ पर नहीं दिखाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो टेबल साइज है यहाँ पर हम टोटल टेबल साइज को चेंज कर सकते हैं, तो अगर हमको ये एस्पेक्ट रेशियो इसका मतलब जितना विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो अगर हमें कॉन्स्टेंट रखना है तो हम यहाँ पर लॉक एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये टेबल जो है दोनों हाइट और विड्थ में ये चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये लॉग एस्पेक्ट रेशियो को यहाँ पर अनचेक कर दूंगा तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए सिर्फ हाइट ही चेंज हो रहा है, विड्थ चेंज नहीं हो रहा। उसी तरह से अगर मैं लॉक कर दूंगा तो आप देखिए यहाँ पर अगर इंक्रीज करूंगा तो दोनों चेंज हो रहा है। उसी तरह से आप एक टेबल के साइज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसे ड्रैग करके भी इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी टेबल के हाइट को किसी स्पेसिफिक मेजरमेंट में रखना है तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो लेआउट सेक्शन में और एक ऑप्शन बच गया है यह है अरेंज। हम ये जो अरेंज ऑप्शन था हमने होम टैब में जब डिस्कस किया था तो यहाँ पर अरेंज में हम डिस्कस किए थे, तो ये जो अरेंज था उसी तरह से यहाँ पर लेआउट में अरेंज का ऑप्शन है, तो अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक है ब्रिंग फॉरवर्ड एक है ब्रिंग टू फ्रंट। इसका मतलब है कि ब्रिंग फॉरवर्ड में ये जो सब ऑप्शन है ये वन स्टेप आगे आएगा, लेकिन ब्रिंग टू फ्रंट करने से जितने सारे भी यहाँ पर जो सेफ होंगे सबसे आगे यहाँ ये चला आएगा, तो ये तो पहले से ही आगे है, तो हम यहाँ पर सेंड बैकवर्ड में क्लिक करेंगे और इसको अगर सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो सेफ था इसके पीछे ये चला गया। उसी तरह से आप यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन को यूज करके किसी भी लेयर को आगे या पीछे कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक है सिलेक्शन पेन, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन पेन खुल गया है। यही सिलेक्शन पेन हमने होम टैब में भी खोल के देखा था, हम होम में जाकर अगर यहाँ पर सिलेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन पेन था, तो उसी तरह से आप यहाँ पर लेआउट में भी अरेंज में जाकर ये सिलेक्शन पेन खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ओवल टू है ये है ये जो ओवल है सेप, और ये जो टेबल टू है ये है ये टेबल हमारा जो टेबल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो आय है, अगर किसी भी आय में हम क्लिक करेंगे तो वो जो शेप होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी हम अगर क्लिक करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर हम शो ऑल करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हाइड ऑल करने से ये सब कुछ हाइड हो जाएगा। हम इसे क्लोज कर देते हैं, फिर देखिए लेआउट में जाएंगे फिर अरेंज में जाएंगे फिर इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये आगे चला है। फिर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाइन का, अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो सब ऑप्शंस है ये टेबल के ये स्लाइड के ऊपर
सारे अलाइनमेंट के ऑप्शन है। तो मैं अगर यहाँ पर अलाइन लेफ्ट में क्लिक करूंगा तो देखिए ये लेफ्ट में अलाइन हो गया। फिर मैं अगर यहाँ पर सेंटर करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं अगर राइट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये राइट में चला आया। फिर यहाँ से अगर टॉप करूंगा तो वो टॉप में चला जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं मिडिल करूंगा तो वो मिडिल में आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर बॉटम करूंगा तो बॉटम में आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर करेंगे, फिर यहाँ से अलाइन मिडिल करेंगे। ओके, ये जो ऑप्शन दोनों दिया गया है नीचे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये ऊपर के जो दो ऑप्शन है अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल उसी का ही काम करता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में लेआउट सेक्शन के अंदर जितने सारे ऑप्शन थे सबको कम्प्लीट कर लिया है। फिर आगे हम जब एनिमेशन टाइप के बारे में बात करेंगे तब हम आगे देखेंगे कि एक टेबल को किस तरह से एनिमेट किया जाता है। दोस्तों एक टेबल को एनिमेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें कुछ ट्रिक्स लगते हैं, तो हम आगे वो सब कुछ भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक वीडियो को एक लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कुछ डाउट है, या फिर आप अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। किसी भी नीडी पर्सन को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू।